हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम आयुष नौडियाल है। इस चैनल पर मैं और अनुराग सर 9-10th का कंटेंट जो है वो रेगुलरली आपको अपडेट करते रहेंगे। और इससे पहले भी 11-12th की काफ़ी सारी वीडियोस अनुराग सर ने अपलोड करी हैं, जो कि रेगुलरली हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम होने वाला है। कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जो नंबर सिस्टम का बेस है वो हमको पता लगेगा, है ना। कैसे नंबर सिस्टम को कैटेगराइज किया जाता है, कैसे फर्दर स्टडीज के लिए हम नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सर। तो बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग से ही क्लियर करते चलना, क्योंकि जो नंबर्स हैं ये आपका पीछा जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक नहीं छोड़ने वाले। तो इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो आज ही आपको हो जाए, इस पहली वीडियो से ही हो जाए तो सर काफी बढ़िया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ, अपनी क्लास पर, नंबर सिस्टम। तो नंबर्स होते क्या है सर, जिन भी चीजों की मदद से हम काउंटिंग करते हैं उन चीजों को हम नंबर बोलते हैं। काफी लेमन लैंग्वेज में अगर मैं किसी को समझाऊं तो ऐसे समझाया जा सकता है ना। तो जैसे मेरे सामने कुछ मोबाइल फोन्स पड़े हैं, मैं उनको गिनना चालू करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हीं चीजों को नंबर कहते हैं। जिस भी टेक्निक से हम उनको नंबर, मतलब जिन भी टेक्निक से हम अपनी काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं या फिर काउंटिंग कर सकते हैं, उन चीजों को हम नंबर का नाम देते हैं, है ना। नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ने के लिए क्या चीजें, हमने ना कैटेगरीज बनाई है कि अलग अलग तरह के नंबर जो हैं वो एक ही, मतलब सेम तरह के नंबर्स एक कैटेगरी में डालें। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज बनाई हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम नंबर सिस्टम को पूरा डिटेल में समझ पाएंगे और आगे ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम इसकी कैटेगरीज पे बात करेंगे। तो सर नंबर सिस्टम की पहली कैटेगरी होती है नेचुरल नंबर। मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेचुरल नंबर होते क्या है ना। सपोज करना कि एक कोई बच्चा है ना, उसकी माँ उसे सिखाती है, बेटा बोलो 1 2 3, है ना, ऐसे करके उसको काउंटिंग सिखाई जाती है। तो नेचुरली जब वो गिनना चालू करता है वो 1 से गिनना चालू करता है ना। जो भी मेरी प्राकृतिक संख्याएं है ना उनको मैं नेचुरल नंबर बोलूंगा। हिंदी में नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं बोला जाएगा, क्लियर बात है। नेचुरल नंबर्स का जो डिनोशन है वो कैपिटल एन से किया जाएगा। जहां भी नेचुरल नंबर्स आएगा, मतलब अगर कैपिटल एन कहीं पे लिखा है, मतलब वो भैया नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब सर तरह तरह की बातें कर ली, अब नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो भैया मैं कहता हूँ, मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मेरे सामने 10 चेयर्स पड़ी है, मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ नेचुरली, है ना, कि 1 2 3 4। तो जहां पर मेरी काउंटिंग नेचुरली स्टार्ट होती है उन उस लिस्ट को मैं नेचुरल नंबर कहता हूँ। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, क्लियर बात है। तो सर जो भी लिस्ट मेरी 1 से स्टार्ट होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो जो भी लिस्ट मेरी 1 से स्टार्ट होगी, स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 से, नंबर्स की उस लिस्ट को मैं नेचुरल नंबर कहने वाला हूं सर, क्लियर बात है ना। अब भैया क्या 7 नेचुरल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है। 8 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। क्या 100 नेचुरल नंबर है, जी हाँ है। स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए, आगे आप कहीं भी जा सकते हैं, क्लियर बात है। लेकिन अगर कोई मुझे बोले क्या 2/3 नेचुरल नंबर है, तो मैं उसका आंसर दूंगा सर नहीं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो हमें प्रकृति से नंबर मिले हैं, है ना। हमको कुछ भी नहीं पता, मैं गिनना चालू करूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 से गिनना चालू करूंगा ना। मेरे सामने कुछ चीज पड़ी है, कुछ भी रखा हुआ है, मैं उसको गिन रहा हूं। तो मैं जैसे कुर्सियां रखी हैं, तो एक कुर्सी, दूसरी कुर्सी, 3 4 5 6, ऐसे ही तो गिनूंगा। क्या मैं उसको ऐसे गिन सकता हूँ 2/3 कुर्सी, सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है ना। या फिर 0.1 चेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो नेचुरल नंबर्स में ये सब नंबर्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया एक बात बताओ, 8/4, फिर से, क्या 8/4 नेचुरल नंबर है, तो मैं कहूंगा सर ये नेचुरल नंबर है। अब भैया अभी आपने बोला कि फ्रैक्शन और डेसिमल नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, तो ये क्यों आएगा, इस पर जरा ध्यान देते हैं। 8/4 का मतलब क्या हुआ, 8 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, जो कि सर नेचुरल नंबर है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल नंबर आपको क्लियर हो गया होगा, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1,
सच नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? अब सर जो हमारा जो भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आ रहे थे ना, वो काफी लिमिटेड थे, है ना? तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा, एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया। जो शक्तियां नेचुरल नंबर्स के पास थी, उन्होंने एक और कैटेगरी बनाई, उसको एक एक्स्ट्रा शक्ति दे दी कि भाई चलो तुम थोड़ा ऊपर आओ, तुम थोड़ी और आगे हमारी हेल्प करो। उस लिस्ट को हमने नाम दिया होल नंबर। अब भैया होल नंबर क्या होता है, इस पे जरा बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर में क्या था, हमारी स्टार्टिंग कहां से हो रही थी सर, वन से स्टार्टिंग हो रही थी। तो होल नंबर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है। वो एक्स्ट्रा पावर क्या है कि जहां पर नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग वन से हो रही थी, होल नंबर की स्टार्टिंग अब जीरो से होगी। 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? समझ आई? अब जब मैं काउंटिंग करूंगा, मेरे सामने मोबाइल फोन्स रखे हैं, मैं जीरो से ऑब्वियसली काउंट नहीं करूंगा, तो वो नेचुरल नहीं है। पर 9 से आगे काउंटिंग को बढ़ाने के लिए मुझे कोई तो ऐसा नंबर चाहिए था सर, है ना? तो उस चीज को टैकल करने के लिए जीरो का इन्वेंशन किया गया, जिसको इंक्लूड कर दिया हमारे नेचुरल नंबर की लिस्ट में, और एक नई कैटेगरी सामने आ गई, होल नंबर। क्लियर बात है? बाकी सब चीजें सेम है। अगर कोई मुझसे बोले सर 8/4 होल नंबर है, तो मैं बोलूंगा जी हाँ सर, ये 2 आता है, 2 बनता है, इसको सॉल्व करके 2 आएगा। तो 2 होल नंबर की लिस्ट में है सर, बिल्कुल है, होल नंबर है ना? तो इससे एक ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी सी सामने क्या आती है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। क्लियर हुई बात? होल नंबर क्या है? अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं कि होल नंबर की जो डिनोशन है वो कैपिटल W से की जाएगी, ठीक है? तो होल नंबर एक्चुअली में है क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। क्लियर हुई है बात, है ना? तो जितने भी मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे होल नंबर हैं अपने आप ही। लेकिन अगर कोई बोले क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, है ना? काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है वन से, वन से जितना भी हम आगे जा सके। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है जीरो से। तो सर ऑब्वियस सी बात है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर बात है? ये चीज यहां से क्लियर हुई आपको? तो सर अब बात क्या आई, हमने इन नंबर्स की तो बात कर ली, है ना? पहले नंबर स्टार्ट हुए वन से, उनको हमने नाम दिया नेचुरल नंबर। एक्स्ट्रा पावर मिली होल नंबर को, उनकी स्टार्टिंग हुई जीरो से। क्लियर है? अब हमारे नंबर स्टार्ट होने लगे जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तब एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। कैसे, मैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक दुकान वाला है ना? उस दुकान वाले ने क्या करा, अपना हिसाब लिखने की सोची, कि उसको ना याद नहीं रहता, तो उसने सोचा मैं लिखूंगा। उसने 50 रुपए का कुछ सामान बेचा, जो ग्राहक था उसने उसे 100 रुपए दिए, है ना? उसने 50 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने उसे 100 रुपए दिए। क्लियर है? कस्टमर ने उसे दिए 100 रुपए, उसने 100 लिख लिया अपने खाते में। उसने कस्टमर को 50 वापिस किए, उसने 50 भी लिख लिया अपने खाते में। क्लियर है? उसने 50 भी लिख लिया। दूसरा कस्टमर आया, उसने भी 100 रुपए दिए, उसने 100 भी लिख लिया। फिर उसने उस कस्टमर को 20 वापिस किए, उसने 20 लिख लिया। ऐसे करते करते ना वो काफी बड़ा खाता बन गया। तो लास्ट में जब वो घर पहुंचा, उसने सोचा यार एक बार कैलकुलेट करते हैं कि कमाई हुई कितनी है। तो वो एकदम चकरा गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था यार क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, ये तो सब एक सा लग रहा है। तो वो अपना हिसाब वहां पे कर नहीं पाया। इस चीज को टैकल करने के लिए जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सिंबल्स का आविष्कार किया। सिंबल्स क्या है सर, देखिए ध्यान से देखना, सिंबल्स की बात कर रहे हैं। और उन्हीं सिंबल्स को जब हमने आगे प्रोसेस किया, तो हमें मिले थोड़ी और एक्स्ट्रा पावर वाली कैटेगरी, हमें मिल गई। उसका नाम क्या था, इंटीजर्स। तो आइए इंटीजर्स के बारे में देखते हैं। जी हाँ, तो इंटीजर्स क्या है ना सर, इंटीजर्स की अगर हम बात करें, तो इंटीजर्स काम करने लगे हमारे सिंबल्स पे। एक चीज आप ध्यान में रखना, नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए वन से, वन से आगे। होल नंबर क्या स्टार्ट हुए, वन से पहले हमने एक जीरो और लगा दिया। तो जब हम जीरो से पहले जाने लगे, तो वो जो पूरी लिस्ट बनी, उस लिस्ट को हमने इंटीजर्स का नाम दिया। क्लियर है? सिंबल्स के बारे में मैं बता रहा था, नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल के बारे में। तो सर जो भी मेरी डिजिट्स होंगी, वो जीरो से बड़ी होंगी, उन डिजिट्स को मैंने पॉजिटिव साइन से डिनोट किया।
क्लियर है, जो भी मेरी डिजिट्स थी वो जीरो से नीचे थी, उन डिजिट्स को मैंने नेगेटिव साइन से डिनोट किया। क्लियर हुई ये चीज, है ना? तो सर इंटीजर का मतलब यहां से निकल के क्या आया मेरे लिए, इंटीजर एक कलेक्शन हुआ मेरा नेगेटिव नंबर्स का, जीरो का और पॉजिटिव नंबर्स का। क्लियर है बात? तो सर एक नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा, यहां से नंबर लाइन के बीचों बीच हम जीरो को मार्क कर लेंगे, क्योंकि जीरो एक यूनिक नंबर होता है, वो ना ही नेगेटिव होगा ना ही वो पॉजिटिव होगा, ठीक है? जीरो से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जीरो से जब हम आगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमको मिलेंगे 1, 2, 3, 4, जिनको की नाम दिया गया पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? लेकिन जब जीरो से पीछे की तरफ हम अपनी लिस्ट में बढ़े, तो 1, 2, 3, 4 तो सर अपनी जगह पे थे ही, बस उनके साथ एक सिंबल और ऐड हो गया नेगेटिव का। क्लियर है? तो इनको नाम दिया गया नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर हुई ये चीज कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या जीरो हैं। तो एक कलेक्शन जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आए, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आए और जीरो आए, उस चीज को हमने इस इंटीजर की कैटेगरी में डाल दिया। अब सर अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या 2/3 इंटीजर है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां पे हम जिन भी डिजिट्स को लेंगे ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना? ये क्या, ये एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया। इंटीजर्स का मतलब है कंप्लीट नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, हम काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम 2/3 में तो काउंट करेंगे नहीं, हमारे सामने चेयर्स रखी हुई हैं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसको काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, हम या 2/3 चेयर रखी है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं, है ना? तो जब भी मैं कंप्लीट नंबर्स की बात करूंगा, वहां पे ही मेरा सिर्फ इंटीजर्स एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? इंटीजर्स हमने यहां पर दो, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करी और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करी। अब सर प्रॉब्लम क्या थी, इससे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये हिसाब वाला एग्जाम्पल। तो यहां पे अब उस दुकानदार के लिए आसान क्या हो गया कि जब उसको 100 रुपए मिले, उसने उसके पीछे प्लस का सिंबल लगा दिया, है ना? जब उसने 50 रुपए दिए, तो उसने उसके पीछे माइनस का सिंबल लगा दिया, तो लास्ट में उसके लिए कैलकुलेट करना काफी आसान हो गया। तो इंटीजर्स ने ये सहूलियत हम लोगों को प्रोवाइड करी। अब सर अब भी हमारी लिस्ट में ना, हम फ्रैक्शनल नंबर्स को नहीं ला पाए थे, डेसिमल नंबर्स को नहीं ला पाए थे, तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई रेशनल नंबर्स की, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, जिस भी लिस्ट की स्टार्टिंग 1 से होगी, उस लिस्ट को मैं नेचुरल नंबर्स का नाम दूंगा, है ना? इसकी पावर्स में हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया सर, जीरो ऐड कर दिया, तो जिस भी लिस्ट की स्टार्टिंग 0 से होगी, उस लिस्ट को मैं होल नंबर्स का नाम दूंगा। क्लियर है? अब भी कुछ हमें दिक्कतें लग रही थी, 0 से पीछे भी जाया जा सकता था, तो जब हम 0 से पीछे चले गए, नेगेटिव इंटीजर्स का कंसेप्ट हमारे सामने आया, है ना? तो उस पूरे कलेक्शन को, नेगेटिव इंटीजर्स से आगे जितना भी हम चलते जाएं, उस पूरे कलेक्शन को हमने इंटीजर कैटेगरी में रखा, है ना? अब सर एक नई कैटेगरी हमारे सामने आती है रेशनल नंबर्स की। पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि ये होती क्या है। क्लियर है? रेशनल नंबर क्या है सर? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सर थोड़ी खतरनाक सी इंग्लिश है, लेकिन डरना नहीं है अपने को, है ना? सब समझते हुए चलेंगे। तो क्या कह रहा है सर, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर हम उन्हीं नंबर्स को बोलेंगे जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। क्लियर है? जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की तरह दिखा पाए, सिर्फ उन्हीं चीजों को हम रेशनल नंबर का नाम देंगे। अब ऐसा करने के लिए हमारे सामने कुछ शर्तें रखी गई हैं, क्या कि p और q दोनों हमारे पास इंटीजर होने चाहिए, है
मतलब कि कंप्लीट नंबर होने चाहिए, वो ना ही फ्रैक्शन में हो सकते हैं, वो ना ही डेसिमल में हो सकते हैं, है ना। अब नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है सर, पी और क्यू नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्लियर है। बस शर्त क्या है कि वो दोनों इंटीजर के अंदर आने चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि क्यू जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्लियर बात है। तो जिन भी नंबर्स को मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, उन्हीं नंबर्स को मैं रेशनल नंबर कहूंगा, क्लियर बात है। एग्जाम्पल देखते हैं सर इसका, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 2/3। तो इसमें गौर करना, क्या मैं इसको पी बाई क्यू की तरह रिप्रेजेंट की कर पाया? जी हाँ, बिल्कुल कर पाया। देखो यहां पे जो पी की वैल्यू है वो 2 है और जो क्यू की वैल्यू है वो 3 है। तो पी एंड क्यू दोनों के दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं, है ना। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, क्यू की वैल्यू यहां पे 0 भी नहीं है ना। तो बिल्कुल 2/3 जो है वो हमारा रेशनल नंबर के अंदर आएगा। क्लियर हुई सर आपको ये बात? अच्छा, अब ये बात मैं कह क्यों रहा हूं कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देखना। अगर मैं ये लिखता हूं 2/0, गौर करना क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ? सर हो तो गया, पी बाई क्यू मैंने लिख तो दिया, पी की वैल्यू यहां से 2 भी निकल के आ गई, क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम इसको रेशनल नंबर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर एक बार डिवाइड करके देखो इसे, है ना। तब 0 × 1 0 ही होता है, 0 × 2 भी 0 होता है, 3 भी 0 होता है। तो आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। तो ये डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगी, ये नेवर एंडिंग डिवीजन हो जाएगी, है ना। इस डिवीजन का कभी आंसर ही नहीं आएगा। तो इस केस को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, कि हमें पता ही नहीं है सर इसकी सीमा कहां तक है ना। इसलिए क्यू जब भी 0 होगा वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रेशनल नंबर होने के लिए क्यू का 0 के अनइक्वल होना बहुत जरूरी है, क्लियर है सर बात? अच्छा, अब थोड़ी और बात करते हैं। क्या -2/-7 रेशनल नंबर बोले जा सकते हैं? सर क्या ये पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। यहां से जो पी की वैल्यू मेरे पास है वो -2 है ना। जो मेरे पास क्यू की वैल्यू है वो -7 है, क्लियर है। हमें ये पता है सर -2 और -7 दोनों ही क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना। तो शर्त में क्या आता सर? पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बिल्कुल यहां पर क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 ही है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स ही हैं। तो -2/-7 जो है ऑब्वियस सी बात है रेशनल नंबर में ही काउंट होने वाला है, ठीक है सर। अगर कोई नंबर मेरे को सीधा सीधा ऐसे दे दिया जाता है कि बताओ क्या 3, 4, 5, 99, क्या ये चीजें रेशनल नंबर हैं या नहीं है, तो पहली चीज मेरे दिमाग में आएगी सर ये तो सिर्फ 3 लिखा है, इसको ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो कन्वर्ट हुई नहीं ना, ये ऐसे तो रिप्रेजेंट हुई नहीं। तो सर यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है अपनी मन की आंखों का, है ना। वो चीज क्या आएगी, जैसे कोई भी नंबर है उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा ऑफ कोर्स, है ना। 1 अगर आप लगा दोगे तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 3 ही रहेगी, है ना। तो इस तरह हम इस चीज को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि पी की वैल्यू तो 3 है और क्यू की वैल्यू यहां से 1 हो गई। 3 भी इंटीजर है सर, 1 भी इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसलिए 3 जो है रेशनल नंबर है। सिमिलर फैशन में 4 भी रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है, 99 भी रेशनल नंबर है। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, कि क्या 0 रेशनल नंबर है? तो सर इस पे बात करते हैं, क्या 0 रेशनल नंबर है? क्या सबसे पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे, क्लियर है। 0 के नीचे अगर मैं 1 लगा लूं, अब इसको डिवाइड करके देख लो आप, है ना, 1 × 0 0, तो डिवीजन यहाँ पे खत्म हो गई मेरी, है ना, वो 0 पे खत्म हो गई, आंसर इसका 0 आएगा। तो मैं इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, जहां पे क्यू जो है मेरा 1 है, क्यू 0 के इक्वल नहीं है, है ना। तो इसलिए 0 भी मेरा रेशनल नंबर है, क्लियर है सर इतनी सी बात? तो ये ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हुई 1 से, है ना। अगली जो कैटेगरी आई, हमने नंबर्स को थोड़ा और पीछे से स्टार्ट करना चालू करा, होल नंबर की स्टार्टिंग चालू करी हमने 0 से, है ना।
अगली जो कैटेगरी आई हमने और थोड़ा पीछे चले गए, और पीछे से हमने अपनी जो रेंज है ना उसको और बढ़ा दिया, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, है ना। अब क्या था, अभी हम सिर्फ कंप्लीट नंबर्स पे बात कर रहे थे, तो रेशनल नंबर ने आके क्या सॉल्व कर दिया, सर आप इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी ले आओ, आप इसमें डेसिमल नंबर भी ले आओ। अब डेसिमल नंबर कैसे ले आओ, अगर आपको बोला जाता है 0.5 क्या रेशनल है, तो सर इसको पी वाई क्यू में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 5/10, जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है, 5 और 10 दोनों ही इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, हेंस 0.5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पर रेशनल नंबर ने अपनी रेंज और बढ़ा दी, पहले सिर्फ कंप्लीट नंबर्स के बारे में बात हो रही थी, अब फ्रैक्शनल नंबर के बारे में भी बात हो रही है और डेसिमल नंबर के बारे में भी बात हो रही है ना। अब क्या है ना सर, इसके बाद एक चीज आती है, वो कैटेगरी तो नहीं कह सकते उसे, उस चिड़िया का नाम है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या है सर, एक बड़ा सा बैग सपोज करो और उसके अंदर जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं, जितने भी नंबर्स, कुछ भी हो चाहे, जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। और सर हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं हमने, होल नंबर्स पढ़ लिए हैं हमने, इंटीजर्स पढ़ लिए हैं हमने, रेशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करेंगे, रेशनल को क्यू से डिनोट करेंगे, है ना। तो सर अब ये √2 मुझे दिखता है, √3 मुझे दिखता है, कुछ ऐसे नंबर्स और दिखते हैं जिनको और स्टडी करने की जरूरत है। तो ऑल इन ऑल क्या सर रियल नंबर क्या है, अब देखना कैसे, हमने देखा था कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स थे वो होल नंबर्स भी थे, है ना, क्योंकि होल नंबर की रेंज बड़ी थी। वैसे ही सारे के सारे जो होल नंबर थे वो इंटीजर भी थे, क्योंकि इंटीजर ने अपनी रेंज और बड़ी कर ली थी। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, वो दोनों के दोनों इंटीजर्स थे ही थे, है ना। रेशनल नंबर्स जब आए तो ऊपर की जो तीन कैटेगरीज थी वो तीनों की तीनों रेशनल नंबर के अंदर लाए कर रही थी, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर ने अपनी रेंज को और बढ़ा दिया। तो रियल नंबर एक्चुअली में है क्या, रियल नंबर समेशन है ना, रियल नंबर एक सम है, किस चीज का, रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। क्लियर है सर, पहले आप कर लो। ठीक है, तो रियल नंबर हमने क्या देखा, वो एक समेशन है, किस चीज का, वो एक कलेक्शन है रियल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, और सॉरी रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। तो रेशनल नंबर्स के बारे में हम देख चुके हैं, अब बारी आती है इरेशनल नंबर्स की, ये है क्या। तो सर रेशनल नंबर में क्या सीन था कि जिन भी नंबर्स को मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा था उनको मैं रेशनल का नाम दे दे रहा था, जिन नंबर्स को मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा उन नंबर्स को मैं इरेशनल नंबर का नाम दे दूंगा, ठीक है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब भैया ऐसा पॉसिबल कैसे है, तो सर हम तीन चीजों के बारे में ना यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसके थोड़े एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, है ना, पाई हो गया, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि हम इन चीजों को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। कहने को पाई की वैल्यू 22/7 जरूर होती है ना, यहां से मुझे दिख रहा है कि सर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है, लेकिन ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती सर, है ना। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो डेसिमल में होती है, वो 22/7 के काफी क्लोज जरूर होती है लेकिन उसके इक्वल नहीं होती, इसलिए जो रियल पाई होगा ना वो हमेशा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा। क्लियर है। अब सर तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, तीन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तीन नंबर्स क्या, उनको मैंने दो कैटेगरी के अंदर डाला है, कैसे, विद डेसिमल और विदाउट
डेसिमल, तो सर विदाउट डेसिमल क्या, जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा था, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया है ना, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, कुछ रेशनल नंबर्स भी इसके अंदर आते हैं है ना। तो जब बात करते हैं हम विद डेसिमल्स की, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक रेशनल नंबर तो आते ही आते हैं है ना, प्लस इसमें इरेशनल नंबर्स भी आते हैं है ना। अब विद डेसिमल की अगर हम और आगे कैटेगरी करें तो सर मेरे को तीन तरह के नंबर्स देखने को मिलते हैं, तीन तरह के कैसे, 1.25 भी विद डेसिमल नंबर है ना, इसमें डेसिमल आ रहा है, 1.21 21 21 एंड सो ऑन, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल है। वहीं तीसरी और 1.21 3 4 5 6 है ना, तो तीन अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पर नंबर प्रेजेंट हैं। पहली चीज में मुझे क्या दिखती है सर, जो डेसिमल है ना वो खत्म हो चुका है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो चुका है ना। तो हम इस चीज को क्या नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग, क्लियर है, टर्मिनेटिंग का मतलब वो चीज वहां पर रुक चुकी है, कुछ एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो एक्सपेंशन जो है हमारा रुक चुका है ना। सेकेंड चीज की तरफ जब हम देखें, सेकेंड कैटेगरी की तरफ जब हम देखेंगे, तो यहां पर ना मेरी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलती जा रही है, इन डॉट का मतलब है कि सर आगे चलती जा रही है ना। तो इसको हमने नाम दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर बात है, नॉन टर्मिनेटिंग तो नाम दे दिया। लेकिन सर एक चीज आप इसमें नोट करो कि एक रेगुलर पैटर्न जो है ना वो फॉलो हो रहा है, वो रेगुलर पैटर्न क्या, कि कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स हैं वो टाइम टू टाइम अपने आप को रिपीट कर रही हैं है ना। कैसे, जैसे ये 2 1 आया, उसके बाद फिर से 2 1 आया, उसके बाद फिर से 2 1 आया है ना। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, देखो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो ही गया, दूसरा क्या, ये रिपीटिंग भी है, क्लियर है, समझे, इसमें सर्टेन जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं कुछ टाइम के बाद है ना, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रही हैं नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद। जो ये तीसरा प्रकार है ना सर, ये थोड़ा जिद्दी सा है, इसको जिद्दी सा कहते क्यों है सर, देखो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया अपने आप है ना, खत्म ये हो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर है, और सर देखो इसमें कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो भी नहीं किया जा रहा है ना, सारी की सारी डिजिट्स जो हैं वो इररेगुलर पैटर्न से हमें दिख रही है, कुछ पैटर्न ही नहीं है, वो रैंडमली कहीं भी आ जा रही है ना। तो हम इसको नाम दे देंगे नॉन रिपीटिंग, क्लियर है। तो सर यहां से एक नई चीज मुझे देखने को मिलती है कि जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनको रेशनल नंबर की कैटेगरी में डाला जाता है, क्लियर बात है, क्यों, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों डिजिट्स को या इन दोनों नंबर्स को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ना इसको हम इरेशनल नंबर्स में डालते हैं, क्योंकि सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इनको P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सर डेसिमल के अंदर भी ना अब हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल होने वाला है और कौन सा नंबर इरेशनल होने वाला है, क्लियर है। तो सर इसी के साथ जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट्स थे वो खत्म हो चुके हैं, तो अब ना हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.1। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सर इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या जीरो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा है ना, हम मैं आपको बता चुका था कि जीरो के नीचे आप कुछ भी लगा दो, 0.1 कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए, 0.3 कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो है ना, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा और जो उसका रिजल्ट है वो ऑब्वियसली वो जीरो ही रहेगा है ना। तो इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, जहां पर पी भी रेशनल, पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है ना। सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को अभी देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर,
हमें स्टेट करना है कि ये जो है ये ट्रू है या फिर नहीं है, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हमने बात क्या करी थी सर, नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं वन से, है ना। होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, तो जीरो के आगे आता है 1 2 3। तो सर होल नंबर के अंदर जीरो के बाद आ तो सारे नेचुरल नंबर से रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो बिल्कुल ट्रू है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो ऑब्वियसली होल नंबर भी हैं, क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो सर ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, और इंटीजर्स के अंदर तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं ना, जो जीरो से पीछे लाए करते हैं, है ना, जीरो से पहले लाए करते हैं। तो इसलिए सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो सर ये भी फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। रेशनल नंबर में हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे, डेसिमल वाले भी आएंगे, है ना, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, क्लियर है। लेकिन होल नंबर में ना ही नेगेटिव आ सकते हैं, ना ही फ्रैक्शनल आ सकते हैं, ना ही डेसिमल आ सकते हैं। तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स का होल नंबर होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए ये फॉल्स है। अब सर हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन 2, तो हमें क्या करना है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, क्लियर है सर। यहां पे दो चीजें ध्यान देने की हैं। पहली चीज ध्यान देने की क्या है कि हमें कितने रेशनल नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, है ना। दूसरी चीज किन किन के बीच में रिक्वायर्ड है, क्लियर चीज है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, जो भी दो नंबर्स के बीच में मुझे मेरे रेशनल नंबर्स चाहिए, उन दो नंबर्स को सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे, देखिए 3 और 4 तो हो गए, लेकिन जब मैं इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा तो 3/1 एंड 4/1 करूंगा, क्लियर है सर। आसान चीज है, पहला स्टेप समझ आया आपको, कुछ भी नहीं करना। जिन दो नंबर्स के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उन दोनों को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या है, जितने भी मुझे रेशनल नंबर्स रिक्वायर्ड हैं उनके बीच में उस नंबर को नोट कर लो। क्या नंबर है सर, 6, उसमें एक ऐड कर दो, क्या बनेगा, 7। 7 को मल्टीप्लाई करो न्यूमिरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ दोनों जगह, क्लियर है बात, है ना। अगर मुझे 6 नंबर चाहिए थे, 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो मैंने 7 मल्टीप्लाई करा। अगर मुझे 100 रेशनल नंबर चाहिए होते तो मैं 101 मल्टीप्लाई करता, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना। अब ये जो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा मैं उसको नोट करूंगा, 7 × 3 21/7 एंड हेयर 28/7। अब सर देखो पहला मिला क्या, 21/7 ना, तो हमने लिख दिया 21/7, क्लियर चीज है। इससे आगे चलते चलो जब तक मेरे को 28/7 ना मिल जाए, क्लियर है। 21/7 डिनोमिनेटर सेम रहने देना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो सर काउंट करते हैं कितने नंबर्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है सर। अब 21/7 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल ऑब्वियसली, 28/7 7 होना चाहिए सर यहां पर, किसके इक्वल है, 4 के। तो 3 और 4 के बीच में जो 6 रेशनल नंबर्स होंगे वो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सर थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जिन भी नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं उन नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लो। तो यहां क्वेश्चन में हमें पहले से ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स दे रखे हैं, है ना। तो 3/5 और 4/5, इस बार हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने थे, 5, तो हम 5 में 1 ऐड करके 6 जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिरेटर में भी और
डिनोमिनेटर में भी, दोनों ही नंबर्स के। क्लियर है सर बात? 3 into 6 18 अपॉन 6 into 5 30। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, 6 into 4 24 अपॉन 30, है ना। अब क्या करना है सर, 18 अपॉन 30 लिखा, यहां से आगे बढ़ते चलो जब तक हमें 24 अपॉन 30 ना मिल जाए। क्लियर है सर? काउंट करके देख लो सर, बिल्कुल 5 ही नंबर हमें मिले होंगे, है ना। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहां पर ओवर होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके गाइस, गुड बाय।